विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के कोरोना वायरस ट्रायल को फिर से शुरू करने के लिए इजाजत दे दी है। दरअसल पिछले हफ्ते सुरक्षा का हवाला देते हुए इस पर रोक लगा दी गई थी। WHO ने सुरक्षा चिंताओं की वजह से मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का कोरोना वायरस के इलाज के लिए ट्रायल रोक दिया था। ये जानकारी न्यूज एजेंसी AFP ने दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इससे पहले बताया था कि इसने एहतियात के तौर पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का कोरोना वायरस के इलाज के लिए क्लिनिकल ट्रायल अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। संगठन ने पिछले हफ्ते लेसेंट्स में छपी एक अध्ययन की रिपोर्ट के बाद ये फैसला लिया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि इस दवा के इस्तेमाल से कोरोना के मरीजों की मौत की संभावना बढ़ जाती है। WHO के प्रमुख ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी थी। वहीं ICMR ने 26 मई को कहा था कि भारत में हुए स्टडी में मलेरिया रोधी दवा HCQ का कोई प्रमुख दुष्प्रभाव सामने नहीं आया है और इसका इस्तेमाल सख्त निगरानी में COVID-19 के इलाज में किया जा सकता है। बता दें कि महामारी के तेजी से फैलने और COVID-19 के प्रभावी इलाज के लिए अमेरिका समेत कई देशों ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन पर निर्भर होना शुरू कर दिया है। भारत इस दवा का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है और उसने अमेरिका, UAE और ब्रिटेन जैसे देशों को इसकी बड़ी मात्रा में आपूर्ति की है। इस मलेरिया रोधी दवा को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अचूक दवा होने का दावा करने के बीच ट्रंप प्रशासन ने काफी मात्रा में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की गोलियां जुटा ली है, जबकि अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन ने इस दवा के दुष्प्रभावों के बारे में एक सुरक्षा परामर्श जारी किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए द पॉलिटिकल ऑप्टिक्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देश दुनिया की ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए।